हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मुझे ना बस थोड़ा सा वक्त दो और मैं आपको ये प्रूफ करके बताता हूँ कि अब तक किसी भी साइंटिस्ट ने लाइट की स्पीड को मेजर नहीं किया है। और जिन साइंटिस्टों ने लाइट की स्पीड को मेजर करने का दावा किया है, उन सभी ने एक ही गलती को बार बार दोहराया। इसका सिंपल मतलब ये है कि करंटली हम जो लाइट की स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं 3×10^8 मीटर्स पर सेकेंड, वो उसकी एग्जैक्ट स्पीड नहीं है बल्कि एवरेज स्पीड है। वियर्ड राइट? लेकिन इससे भी ज्यादा वियर्ड चीज तो ये है कि जब सबसे पहले ना गैलीलियो ने लाइट की स्पीड को मेजर करने की कोशिश की थी, तब उन्हें लाइट की स्पीड इन्फिनिटी मिली थी। दरअसल इसे मेजर करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उनका एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल था। दो पहाड़ थे जो एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर थे। इसमें से एक पहाड़ पर गैलीलियो एक कपड़े से ढके हुए लैंटर्न लेकर खड़े हुए थे और वहीं दूसरे पहाड़ पर उनका एक असिस्टेंट ऐसा ही दूसरा लैंटर्न लेकर खड़ा हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए गैलीलियो ने उनके लैंटर्न से कपड़े को हटाया और इमीडिएटली स्टॉपवॉच चालू कर दिया। गैलीलियो के लैंटर्न की लाइट को देखते ही उनके असिस्टेंट ने अपने लैंटर्न पर से कपड़े को हटा दिया। अब जैसे ही असिस्टेंट के लैंटर्न की लाइट गैलीलियो तक पहुंची, उन्होंने अपना स्टॉपवॉच पॉज कर दिया और डिस्टेंस और स्टॉपवॉच पर रिकॉर्डेड टाइम की मदद से वो लाइट की स्पीड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। राइट? लेकिन गैलीलियो के स्टॉपवॉच को स्टार्ट करते ही उन्हें असिस्टेंट के लैंटर्न की लाइट दिखी। अब क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और इसीलिए तभी के स्टॉपवॉचेस ऑफ कोर्स माइक्रो या नैनो सेकंड्स में टाइम को मेजर नहीं कर सकते थे, जबकि अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस नैनो सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने ये कंसिडर किया कि लाइट की स्पीड शायद इन्फिनिट ही है। पर गैलीलियो के काफी सालों बाद 1760s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली अपडेट होने लगी और इसका पूरा फायदा उठाया लाइट की स्पीड को ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट करने वाले फ्रेंच फिजिसिस्ट हिप्पोलाइट फिज्यू ने। फिज्यू ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कुछ इस तरह का एक सेटअप बनाया। उसने मॉन्टमार्ट्रे के एक टावर पर मिरर सेटअप किया और सुरेसनेस के एक टावर पर लेजर कॉगव्हील और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग ग्लास। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता यह है कि लाइट लेजर से निकलकर कॉगव्हील के दो टीथ के बीच से होकर मिरर को हिट करती है और फिर यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर पार्शियल रिफ्लेक्टिंग ग्लास से टकराती है और डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है। लेकिन फिजियो ने जैसे ही धीरे धीरे कॉगव्हील की स्पीड बढ़ाई, एक पॉइंट ऐसा आया जब रिफ्लेक्टेड लाइट डिटेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि वो लाइट नेक्स्ट टीथ से टकरा कर ब्लॉक हो रही थी। इसका मतलब ये था कि जितना टाइम व्हील के एक टीथ को ए से बी रोटेट होने में लगा, उतना ही टाइम लाइट को सियोरसनेस टाउन से मॉन्टमार्ट्रे टाउन जाने और वहां से वापस कॉगव्हील के पास आने में लगा। और इससे फिजियो ने ये कैलकुलेट किया कि लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लूप होल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों भी एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्टों ने लाइट के दूसरे पॉइंट तक जाकर वापस आने की स्पीड को कैलकुलेट किया था, यानी कि लाइट की एवरेज स्पीड कैलकुलेट की थी। इसका मतलब लाइट की स्पीड ए से बी तक कुछ और हो सकती है और बी से ए तक कुछ और। नहीं समझे? रुको, कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपकी गाड़ी पॉइंट ए से बी तक 200 किलोमीटर पर आर से जा रही है और बी से ए तक 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आ रही है, तो गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए 133.33 किलोमीटर पर आर, बी 150 किलोमीटर पर आर, सी 200 किलोमीटर पर आर और डी 166.67 किलोमीटर पर आर। अब वीडियो को पॉज करना और पूरे ईमानदारी से अपने आंसर को नीचे कमेंट्स में लिखना। डन? आई होप आप प्रिटी ईमानदार रहे होगे। अब आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर 150 किलोमीटर पर आ रही होगा, है ना? वेल, इसका सही जवाब है 133.33 किलोमीटर पर आर। बट हाउ? तो देखो, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर ए से बी के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स कंसिडर करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 2x। सिमिलरली टोटल टाइम को ए टू बी ट्रिप के लिए t1 और बी टू ए ट्रिप के लिए t2 मान लेते हैं। अब टाइम के इस फॉर्मूला से हम t1 को x अपॉन v1 और t2 को x अपॉन v2 कंसिडर करके इस इक्वेशन को पा सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा जो है 133.33 किलोमीटर पर आर। नाउ आपकी गाड़ी को जरा एक लाइट बीम से रिप्लेस करते हैं।
जो ए से बी 400,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में जाती है और बी से 2.4 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में आती है। तो इसी फॉर्मूला की मदद से लाइट की एवरेज स्पीड आएगी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। क्या आपने नोटिस किया कि लाइट की एवरेज स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकंड? मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसकी एक्चुअल स्पीड दोनों ही डायरेक्शन में अलग थी और रियलिटी में गैलीलियो, फिजियो और बाकी के सभी साइंटिस्टों ने भी इसी तरह लाइट की एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट किया है, ना कि उसकी एक्चुअल स्पीड को। यानी कि इस करंट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को हम गलत बोल सकते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि आइंस्टाइन ने किस बेसिस पर यह बोला कि लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है? आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों कहा? इसे समझने के लिए उनके स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के इस पेपर पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि लाइट स्पीड का कॉन्स्टेंट होना उनकी इस थियरी का एक पोस्टुलेट है, विच मीन्स एक माना गया सच जिस पर उनकी थियरी निर्भर है। इनफैक्ट उन्होंने बाद में ये भी ऐड किया कि वन वे स्पीड ऑफ लाइट ना ही कोई अजम्पशन है ना ही कोई हाइपोथेसिस, वो मेरी इच्छा से ली गई वैल्यू है जो मेरी साइमल्टेनिटी की थियरी को प्रूव करती है। अब ऐसे में आपको आइंस्टाइन काफी अनरिलायबल साउंड कर रहे होंगे, राइट? पर चलो एक बार उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को समझ के देख। अब मान लो एक ट्रेन है जो ऐसे चल रही है और जिसमें मैं एक ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट के पास एक स्टॉपवॉच को लेकर बैठा हूं और आप भी ट्रेन के बाहर से एक स्टॉपवॉच लेकर ऑब्जर्व कर रहे हो। अब जैसे ही ट्रांसमीटर लाइट बीम एमिट करता है, मैं और आप इमीडिएटली अपनी स्टॉपवॉच चालू करते हैं और रिसीवर के रिसीव करते ही तुरंत उसे स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो लाइट ने मेरे लिए कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है और आपके लिए ज्यादा, बट हमने स्टॉपवॉच तो साथ ही में चालू और बंद किया था, जिससे कोई भी अगेन इस फॉर्मूला से यही इंटरप्रेट करेगा कि लाइट स्पीड मेरे लिए कम है और आपके लिए ज्यादा। अब आइंस्टाइन को यहाँ पर लाइट की स्पीड वेरी करने का कोई रीजन नहीं दिख रहा था और वो ये भी मानते थे कि यूनिवर्स के फिनोमेनांस सेम है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट होते हैं, जिसे उन्होंने रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहा था। यानी कि साइमल्टेनियसली चीजें हो रही है लेकिन फिर भी वो रिलेटिव है, रिलेटिव पर्सपेक्टिव से देखी जा रही है, और इसीलिए उनके हिसाब से लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है बट टाइम दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए चेंज हो जाता है। मतलब मेरा स्टॉपवॉच आपके स्टॉपवॉच से स्लो मूव कर रहा है। अब ये सुनने में तो लॉजिकल जरूर लग रहा है, लेकिन काफी सारे साइंटिस्टों को इसमें कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर आइंस्टाइन ने वन वे स्पीड ऑफ लाइट को एज्यूम किया है तो रिलेटिविटी पर डिपेंडेंट जीपीएस सैटेलाइट्स, रोवर्स, लैंडर्स, प्रोब्स सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? और क्या हम नैनो सेकंड्स में टाइम को कैलकुलेट करने वाले सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स के जरिए वन वे स्पीड ऑफ लाइट को मेजर नहीं कर सकते? वेल, द आंसर इज नो, और मैं बताता हूं क्यों। देखो, ये एक लेजर और सीशियम एटॉमिक क्लॉक है जिसको हम लाइट को 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही इस लेजर से पल्स निकलकर क्लॉक के सेंसर से टकराएगी, क्लॉक चालू होगा और लाइट के 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते ही हम उसे बंद कर देंगे। लेकिन इसे हम इंस्टेंटली नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेजर पल्स को हमारी आंखों से टकराने में भी कुछ टाइम लगेगा और इससे होगा ये कि टाइम मेजरमेंट में एरर आएगा। अब इस एरर को चलो सही करने के लिए दो एटॉमिक क्लॉक को सिंक करके देखते हैं। सिंक करने के लिए हमें एक क्लॉक से दूसरे को मैसेज भेजना पड़ेगा जो ऑफ कोर्स लाइट स्पीड से ही जाएगा, जिससे अगेन एरर आएगा और दोनों एग्जैक्ट टाइम पर सिंक नहीं हो पाएंगे। बट वेट, अगर हम दोनों क्लॉक्स को साथ में सिंक करें और फिर दूसरे को 1 किलोमीटर दूर ले जाए तो क्या होगा? वेल, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि रिलेटिविटी की वजह से मूविंग क्लॉक के लिए टाइम स्लो चलेगा और वो दोनों अगेन आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे दोनों क्लॉक्स को एक साथ बीच में रखें और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो शायद बात बन जाएगी, लेकिन दोनों डायरेक्शन में लाइट की स्पीड अलग हो सकती है, जो हमने गाड़ी के केस में भी देखा, जिससे दोनों में अलग टाइम डायलेशन होगा। और इसीलिए टेक्निकली स्पीकिंग वन वे स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना अब तक नामुमकिन रहा है। लेकिन फिर भी हमारी सैटेलाइट्स इस अजम्पशन पर सही से काम कर रही है कि वन वे स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर आर है। आखिर कैसे? इसे समझते हैं रिलेटिविटी के स्पेस टाइम ग्राफ से, क्योंकि हमारी सैटेलाइट्स, रोवर्स, लैंडर्स एटसेट्रा रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके अपने आप को अर्थ टाइम से सिंक करते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस हमारे 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस टाइम को। इस पर ये है अर्थ की वर्ल्ड लाइन और ये है मार्स की। अब होता ये है ना कि डेली एट 1 PM अर्थ के साइंटिस्ट मार्स के एस्ट्रोनॉट एडम को एक सिग्नल भेजते हैं जो 10 मिनट बाद मार्स पर पहुंचता है। एडम इससे अपनी वॉच और रोवर को अर्थ टाइम 1:10 PM से सिंक कर लेता है और रिप्लाई में डन मैसेज भेज देता है जो अर्थ के साइंटिस्ट के पास 1:20 PM को पहुंचती है। यहाँ पर लाइट की स्पीड दोनों डायरेक्शन में सेम है और इसीलिए सब कुछ ठीक है। लेकिन मान लो अर्थ की स्पीड अर्थ से मार्स के डायरेक्शन
में c by 2 है और मास से अर्थ के डायरेक्शन में इन्फिनिट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अर्थ से एडम को 120 PM पर मैसेज मिलेगा, पर एडम अपनी क्लॉक को 110 PM पर सेट करेगा क्योंकि उसे पता नहीं है कि लाइट स्पीड अर्थ टू मार्स के डायरेक्शन में c by 2 है। और जब वो रिप्लाई करेगा तो अर्थ को वो मैसेज इंस्टेंटली इन्फिनिट स्पीड से 120 PM को ही मिल जाएगा। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लाइट की स्पीड किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंट क्यों ना हो, उसका एवरेज हमेशा कांस्टेंट ही होता है, विच इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसी वजह से सैटेलाइट्स, रोवर्स और बाकी चीजें नॉर्मली फंक्शन कर पाती है डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्लेयरिंग शॉर्टकमिंग। बट वन वे लाइट की स्पीड कुछ भी हो सकती है जिसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है 643 लाइट ईयर्स दूर रहने के बावजूद बीटलजूस का डेडली रेडिएशन हम तक इंस्टेंटली इन्फिनिट स्पीड से पहुंच जाए और अर्थ पर मास एक्सटिंक्शन हो जाए, क्योंकि नासा ने बीटलजूस के फटने की वार्निंग ऑलरेडी दे दी है, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला लाइट के बारे में, लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही क्यूरियोसिटी बेस्ड वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।